बिग बिलियन डे सेल के लिए काफी सवाल आए हैं, काफी सारे, तो शुरू करें फिर। चलो फिर, पहला सवाल है हर्ष जी का कि बिग बिलियन डे सेल की एग्जैक्ट डेट क्या होगी। भाई एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन हर साल सेल सितंबर के लास्ट वीक में होती है, तो इस बार भी सितंबर लास्ट वीक या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में होनी चाहिए सेल। बाकी जब सेल आएगी तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न वाले खुद ही बता देंगे भाई, ढिंढोरा पीट के हजारों एड्स चला के। अगला सवाल पूछा है सुदीप जी ने कि इस साल की बिग बिलियन डे सेल के अंदर आईफोन 13 लेना चाहिए या फिर आईफोन 14। सुदीप भाई सीधा सीधा जवाब है, आईफोन 14 एक बेटर फोन है, लेकिन आईफोन 13 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आईफोन 14 थोड़ा बेटर जरूर है, लेकिन आईफोन 13 पैसा वसूल है। वैसे 13 और 14 में कोई बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, परफॉर्मेंस में फर्क इतना कम है कि डेली लाइफ में फील भी नहीं होने वाला। बाकी सब कुछ सेम है, चाहे वो बैटरी लाइफ हो, चाहे कैमरा परफॉर्मेंस। बस एक एक्शन मोड और डाल दिया था एप्पल वालों ने आईफोन 14 के अंदर, जो वीडियोस को बहुत ज्यादा स्टेबल बना देता है, लेकिन वो डेली लाइफ में इतना ज्यादा काम आने वाला तो है नहीं। अगला सवाल पूछा है माफिया गेमिंग ने, भाई सब माफिया ही आ गई आईफोन लेने। पूछा है कि उनके पिन कोड पे आईफोन की डिलीवरी नहीं हो पा रही तो क्या करें। तो भाई दो चीजें हो सकती हैं यहां पे, या तो आपके एरिया के अंदर आईफोन आउट ऑफ स्टॉक है, या फिर फ्लिपकार्ट या अमेज़न जहां पे भी आप देख रहे हो उन्होंने अभी आपके पिन कोड पे डिलीवरी शुरू नहीं करी। तो हम इस केस में दो चीजें कर सकते हैं भाई, या तो अपना पिन कोड के अलावा किसी और का पिन कोड डाल दो, किसी दोस्त वगैरह का, क्या पता अमेज़न और फ्लिपकार्ट वहां पे डिलीवरी करते हो। या फिर दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो है इंतजार, कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट आपके एरिया में डिलीवरी शुरू करें। अब वो एक दिन भी लगा सकता है, एक महीना भी, और सालों भी। सच बताऊं तो पहला वाला ऑप्शन ही बेटर है भाई, वरना अगर इंतजार करने बैठ गए ना फिर तो इंतहा हो जाएगी इंतजार की, जैसे 10,000 सब्सक्राइबर देखने के लिए मेरी इंतहा हो गई इंतजार की। अगला सवाल पूछा है अज्जू शर्मा जी ने कि सबसे पहले तो आईफोन 14 प्लस कितने का मिलेगा, और इनका दूसरा सवाल है कि आईफोन 14 प्लस ओपी है या नहीं। एक तो हर जगह आजकल या तो ओपी ओपी चल रहा है या फिर सिस्टम, तुम ओपी वाले हो या सिस्टम वाले। तो इस बार आईफोन 14 प्लस अराउंड 55 से 60,000 के बीच में देखने के लिए मिलेगा। प्राइस ड्रॉप काफी ज्यादा होगा इस बार, क्योंकि आईफोन 14 प्लस बहुत कम बिका है। मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हें बिग बिलियन डे सेल के अंदर आईफोन 13 या 14 ना ले पाओ, आउट ऑफ स्टॉक हो जाए ना, तो एक बार 14 प्लस चेक कर लेना, वो डेफिनेटली स्टॉक में रहेगा। और ओपी पे आए तो बिल्कुल भाई, आईफोन 14 प्लस बहुत ही बढ़िया फोन है, इतनी बड़ी डिस्प्ले है और बैटरी लाइफ एकदम बेस्ट है। अगर मुझे पर्सनली कोई आईफोन बाय करना होता ना इस वाली बिग बिलियन डे सेल के अंदर, तो या तो मैं आईफोन 13 बाय करता या फिर आईफोन 14 प्लस। तो अगर आप 14 प्लस लेने की सोच रहे हो ना, तो कोई गलती नहीं कर रहे भाई, बहुत प्यारा फोन है। अगला सवाल पूछा है ओपी गेमर ने, ओपी बंद करो यार पहले तो। उन्होंने पूछा है कि रियलमी 11 प्रो कितने का मिलेगा इस बार। अभी तो 24,000 का मिल रहा है रियलमी 11 प्रो का बेस वेरिएंट फ्लिपकार्ट के ऊपर, और इसको लॉन्च हुए भी ठीक ठाक टाइम हो चुका है, तो अराउंड 5,000 से 7,000 का डिस्काउंट इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आराम से। अगला सवाल पूछा है मनन जी ने कि आईफोन 13 और 14 पे बैंक ऑफर्स कौन कौन से मिलेंगे। तो पिछले साल आईफोन 12 और 13 के ऊपर अराउंड 1500 रुपए के कैशबैक्स मिले थे SBI, ICICI और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पे, डेबिट कार्ड्स पे नहीं थे ऑफर। तो इस बार भी आईफोन 12, 13 और 14 के ऊपर अराउंड 1500 रुपए का ही कैशबैक वाले बैंक ऑफर मिलेगा एक्सिस बैंक, SBI और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। हो सकता है कि इस बार और भी ज्यादा बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ऐड हो जाएं, लेकिन ये तीन बैंक तो कांस्टेंट हैं ही, इनके अगर क्रेडिट कार्ड है ना तब तो सेट हो तुम। अगला सवाल पूछा है फेयर बी के ऑफिशियल जी ने कि बिग बिलियन डे सेल के अंदर आईफोन लेना चाहिए या नहीं। पूरी चाचा चौधरी खत्म हो गई, ये पूछ रहे हैं साबू कौन था। तो हाँ यार, बिल्कुल ले सकते हैं अपना मन पसंदीदा फोन, चाहे वो आईफोन हो या फिर एंड्रॉइड, या अगर विंडोज भी लेना हो तो। ऑफलाइन मार्केट में अगर आपको ज्यादा भरोसा है तो वहां से जाके ले लो, लेकिन ऑनलाइन जो डिस्काउंट्स मिलेंगे ना, इतने तगड़े डिस्काउंट ऑफलाइन नहीं मिलने वाले। बस एक दिक्कत हो सकती है ऑनलाइन आईफोन या कोई और फोन खरीदने में, कि वो फोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और अगर दिक्कत होगी भी तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगला सवाल पूछा है योगेश कुमार जी ने कि इस वाली बिग बिलियन डे सेल के अंदर नथिंग फोन 1 और गूगल पिक्सल 6a का क्या प्राइस रहने वाला है। तो नथिंग फोन 1 अभी 29,000 का मिल रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और आने वाली बिग बिलियन डे सेल के अंदर काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा इस फोन पे, तो उसका प्राइस 22,000-23,000 या फिर उससे भी कम हो सकता है इस बार के बिग बिलियन डे सेल के अंदर, क्योंकि नथिंग फोन 1 को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है लॉन्च हुए हुए। अगर कोई एंड्रॉइड फोन लेने का सोच रहे हो ना भाई 25,000 तक, तो नथिंग फोन 1 के ऊपर तो आंखें गड़ा के बैठना, बहुत ही प्यारी डील मिलेगी इस बार। और गूगल पिक्सल 6 से अभी 28,000 का मिल रहा है, तो ये भी 23,000 से 25,000 के बीच में मिलेगा, इस पे इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा लेकिन ठीक ठाक मिलेगा। अगला सवाल पूछा है हरीश जी ने, पूरा 10 नंबर का CBSE का सवाल ही दे दिया भाई उन्होंने तो। पहला सवाल है कि बिग बिलियन डे सेल के अंदर आईफोन SE 3 का क्या प्राइस रहने वाला है। तो आईफोन SE 3 पिछले साल की 2022 की बिग बिलियन डे सेल के अंदर 30,000 का मिला था, लेकिन वो 64GB वेरिएंट के लिए था। अभी कहीं पे भी 64GB वेरिएंट नहीं मिल रहा, हर जगह 128GB दे रहे हैं। ये 64GB वाला वेरिएंट हर जगह से आउट ऑफ स्टॉक है, सिर्फ एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट को छोड़ के। और तो और फ्लिपकार्ट के ऊपर जो 64GB रैम वाला वेरिएंट है ना, वो आउट ऑफ स्टॉक तो है ही, लेकिन उसमें 0GB रैम दिखा रहा है। तो अभी आईफोन
गैलेक्सी 3 128GB वाला 55,000 का मिल रहा है, तो इस बार की सेल के अंदर वो 40,000 या फिर उससे भी कम जा सकता है। हाँ, इसका प्राइस ड्रॉप काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ऐसी सीरीज जो होती है ना वो बहुत कम बिकती है। और काफी सारे लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा या नहीं फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल के अंदर अगर आईफोन खरीदना हो तो हाँ भाई, ईएमआई का ऑप्शन आपको बिल्कुल मिलेगा, चाहे आपको आईफोन लेना हो या फिर कोई और एंड्रॉइड फोन लेना हो। और एक्सचेंज ऑफर्स भी बिल्कुल मिल जाएंगे भाई, अपना पुराना फोन फ्लिपकार्ट या अमेजोन को देकर और भी ज्यादा डिस्काउंट ले पाओगे तुम अपने मन पसंदीदा फोन पे। हरीश जी का दूसरा सवाल है कि एयरपॉड्स प्रो कितने के मिलेंगे इस बार के बिग बिलियन डे सेल के अंदर बिना कार्ड ऑफर्स के। पिछली बार की सेल में तो 17,000 के मिले थे एयरपॉड्स प्रो, लेकिन अब तो वैसे ही प्राइस इतना ज्यादा कम हो चुका है। अभी रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहीं पे मिल रहे हैं 17,000 के एयरपॉड्स प्रो। तो पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो इस बार 14-15,000 या फिर उससे भी नीचे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं एयरपॉड्स प्रो के। और 1-2% चांस भी है कि 12,000 तक भी ये जा सकते हैं, क्योंकि 17,000 के तो अभी मिल रहे हैं ना भाई रिलायंस डिजिटल पे। तीसरा सवाल है कि एप्पल वॉच SE 2 कितने की मिलेगी इस बार। तो अभी फ्लिपकार्ट पे एप्पल वॉच SE 2 28,000 की मिल रही है, GPS वाली, सेल्यूलर वाली नहीं। और पिछली बार की सेल में एप्पल वॉच SE 1 जो फर्स्ट जनरेशन था वो 23,000-24,000 की मिली थी। तो इस बार जो एप्पल वॉच SE का सेकंड जनरेशन है वो भी 23,000-24,000 का ही मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन, थक गया यार, लास्ट क्वेश्चन है कि एप्पल वॉच सीरीज 7 कितने की मिलेगी। तो पिछली बार एप्पल वॉच सीरीज 7 41mm वाली जो छोटी वाली होती है वो 30,000 की मिली थी भाई बस। तो इस बार अगर वो स्टॉक में रही तो 25,000 की आराम से मिल सकती है। वैसे तो लगता नहीं है कि एप्पल वॉच सीरीज 7 इस बार स्टॉक में आएगी, पर ठीक है भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगला सवाल है जोम्बी का, पहले माफिया आ गई अब जोम्बी आ गए, गो गोवा गॉन शुरू हो गई है क्या यहाँ पे। जोम्बी भाई पूछ रहे हैं कि आईफोन 14 का वो कौन सा कलर मंगाए जिसमें सबसे कम कंपटीशन हो, ताकि अगर हम लेने जाएं तो आराम से मिल जाए भाई बिना आउट ऑफ स्टॉक हुए। तो बिल्कुल भाई, आईफोन 14 के ऐसे कुछ कलर्स डेफिनेटली हैं जैसे कि येलो और रेड जो काफी कम लोग लेते हैं, लेकिन बीबीडी में तो भसड़ मचने वाली है भाई। जो सबसे ज्यादा बिकने वाला कलर है आईफोन 14 का व्हाइट कलर, अगर उस पे लाखों लोग बैठे होंगे ना तो रेड और येलो जैसे कलर्स पे भी हजारों लोग बैठे होंगे। तो आराम से बाय करने का तो कोई सीन ही नहीं है भाई बिग बिलियन डे सेल के अंदर। उंगलियों के बाइसेप मार लेना, 11:55 भाई बैठ जाना फ्लिपकार्ट खोल के। जो हमें लाता है हमारे अगले सवाल पे, जो फिर से मनन जी ने पूछा है कि भाई कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताओ कि आईफोन आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही हम खरीद सके। तो अगर वो स्ट्रेटेजी जाननी है तो ये वाली वीडियो देख लो।